अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बच्चों, हमने सीनियर केजी में इससे पहले के सबक में अलीफ से लेकर रौ तक के हर्फ को हमने पढ़ा और लिखा। प्यारे बच्चों, आज हम ज़ा सीखेंगे। क्या सीखेंगे? ज़ा। रौ के ऊपर अगर हम नुक्ता लगा देंगे तो कौन सा हर्फ बन जाएगा? ज़ा। ज़ा से ज़बीब। ज़बीब का माना है किसमें? ज़बीब का माना है किसमें? जब हम इसे क्या कहते हैं? सूखी द्राक्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूखी द्राक्ष। प्यारे बच्चों, तो ये है ज़ा। रौ के ऊपर अगर हमने नुक्ता लगा दिया, कौन सा हर्फ बन गया? ज़ा। तो रौ के ऊपर नुक्ता लगा दिया तो ये ज़ा बन गया। क्या है? ज़ा से ज़बीब। ज़बीब का माना है किसमें, जिसे हम क्या कहते हैं? सूखी द्राक्ष कहते हैं। इसी तरह प्यारे बच्चों, ज़ा के बाद कौन सा हर्फ आता है? सीन। सीन से समक। तो ये है हर्फ सीन। सीन से समक का माना है मछली। हमने मच्छी को तो देखा है ना, हम गुजराती में मच्छी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये है सीन। सीन से समक। समक का माना है मछली। इसी तरह सीन के बाद आता है शीन। तो ये है शीन। शीन से शजर। शजर का माना है दरख, जिसे हम क्या कहते हैं? झाड़ कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, शीन से शजर। शजर का माना क्या है? जड़। इसी तरह शीन के बाद कौन सा हर्फ आएगा? तो शीन के बाद आता है सोद। तो इसी तरह हम ये सोद। सोद से सहन। सोद से सहन का माना है प्लेट। तो प्यारे बच्चों, सोद से सहन का माना है प्लेट, जिसे हम क्या कहते हैं? प्लेट। प्यारे बच्चों, सोद के बाद कौन सा हर्फ आता है? तो सोद के ऊपर अगर हम नुक्ता लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? दोद बन जाएगा। तो ये है दोद। दोद से दान। हम क्या पढ़ेंगे? दोद से दान। दान का माना है गेटा, जिसे हम क्या कहते हैं? गेटा ही कहते हैं। गुजराती में हम गेटा ही कहेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये है ज़ा से लेकर दोद तक के हर्फ जो हमने यहाँ पर पढ़ा। तो प्यारे बच्चों, अब हमें हमारी खाने वाली नोटबुक में इसी हर्फ को हमें लिखना है। क्या करना है? लिखना है। तो प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर एक खाना छोड़कर हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एक खाना छोड़कर हमें लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर है ज़ा से ज़बीब। तो यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, पहला हर्फ है ज़ा। तो हम एक खाना छोड़कर हम क्या लिखेंगे? ज़ा लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम इसी तरह ज़ा के बाद नीचे एक खाना छोड़कर ज़ा से ज़बीब को लिखेंगे। ज़बीब का माना है किसमिस। इसी तरह हम पढ़ते जाएंगे और लिखते जाएंगे। ज़ा के बाद कौन सा हर्फ आएगा? सीन। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है? सीन लिखना है। सीन से समक। समक का माना है मछली। इसी तरह सीन के बाद कौन सा हर्फ आता है? तो शीन। तो प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? सीन के बाद आता है शीन। तो हम इसी तरह शीन को भी लिखेंगे और पढ़ेंगे। शीन से सजर का माना है दरख। इसी तरह प्यारे बच्चों, शीन के बाद आता है सोद। तो हमें यहाँ पर सोद लिखना है। सोद से सहन। सहन का माना है प्लेट। इसी तरह सोद के बाद कौन सा हर्फ आया? सोद के बाद आता है दोद। तो हमें यहाँ पर दोद लिखना है। सोद लिखकर हम ऊपर नुक्ता लगा देंगे तो कौन सा हर्फ बन गया? हर्फ दोद। तो यहाँ पर दोद से दान। दान का माना क्या है? गेटा। तो प्यारे बच्चों, हम इसी तरह हमारी खाने वाली नोटबुक में हमें लिखना है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने जैसे लिखा है ज़ा से लेकर दोद तक, इसी तरह फिर से हम एक खाना छोड़कर दूसरी लाइन में हम लिखेंगे ज़ा से ज़बीब। क्या लिखेंगे? ज़ा से ज़बीब। तो हम इसी तरह ज़ा लिखेंगे, उसके बाद ज़ा के बाद कौन सा हर्फ आएगा? तो सीन। तो हम यहाँ पर सीन लिखेंगे। सीन से समक। सीन के बाद शीन। शीन से शजर। उसी तरह शीन के बाद सोद। सोद से सहन। और सोद के बाद कौन सा हर्फ आता है? दोद। दोद से दान। और दान का माना है गेटा। तो प्यारे बच्चों, हम इसी तरह हमारे खाने वाली नोटबुक में पूरा पेज भरकर हमें इसी तरह इस हर्फ को लिखना है और पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों, हम अच्छे से इसे होमवर्क में हमें दो पेज भर के हमारा होमवर्क करना है। क्या करना है? दो पेज भरकर हमें हमारा होमवर्क करना है। ज़ा से लेकर दोद तक के ये पांच हर्फ को हमें हमारी नोटबुक में लिखना है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का सबक। आगे के सबक में हम आगे के हर्फ सीखेंगे इंशाल्लाह।